जी कैसे हो आप लोग। मैं सुहेल वहाँ पर एक नई वीडियो को लेकर आपके सामने आ गया हूँ आपके सपनों को साकार करने के लिए। और इस वीडियो पे बने रहिए, आपके इस वीडियो के अंत तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से सीख के जाओगे। चलिए ज़्यादा देर तक ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बात ऐसी है, ये कहानी उस बच्चे पर आधार है। वो बच्चे की उम्र थी 13 साल। उसने टी वी में कोई ऐड देख लिया था। जिस ज़माने में बड़ों का अकाउंट खुलना मुश्किल था, वहाँ पर उस बच्चे ने ऐड देख लिया था अकाउंट में। ये बात है 2009 के आसपास की। उसने अकाउंट देख लिया था तो उसको मन किया कि अकाउंट खोलूँ, क्यों ना मेरा भी अकाउंट हो बैंक में। तो वो चला गया बैंक को भगता हुआ दौड़ता हुआ। वहाँ पे वो जैसा ही गया तो जो बाहर गार्ड खड़ा हुआ था उसने कहा तेरे डैड का है, क्योंकि उसको लगा कि उसके डैड का अकाउंट है। तो ये बच्चा कहीं भटक के आ गया तो उसको कहा कि तेरे डैड का है। तो उसने बच्चे ने कुछ नहीं कहा। बच्चे ने डर गया कि अगर मैं बोल दूंगा तो ये अंदर जाने नहीं देगा कि मेरा ही अकाउंट है। तो फिर भी इसने हिम्मत करके बोल दिया कि मैं अपना अकाउंट खुलवाने आया हूँ। उस नन्हे से बच्चे ने कह दिया कि मैं अकाउंट अपना सा अकाउंट खुलवाने आया हूँ। तो गार्ड हंसा थोड़ी देर के लिए, फिर कहा बेटे ये बच्चों के लिए नहीं होता है, बड़ों के लिए होता है, क्योंकि बैंक भी बड़ी बैंक थी। तो उसने उसको बाहर भगा दिया। फिर वो बच्चे ने ना बाहर आया, फिर बहुत मेहनत की उसने ना, फिर वो भीड़ के सहारे अंदर घुस गया, भीड़ के नीचे से दबे कुचले अंदर घुस गया बैंक के। और फिर जैसे ही अंदर गया तो उसको फॉर्म मिला, और फॉर्म फिलअप करने के लिए उसको कुछ लिखना नहीं आता था, कुछ समझ भी नहीं आता था। उसने किया ऐसे कि फॉर्म लिया हाथ में और कुछ भी लिखना शुरू कर दिया। जैसे उसको समझ में आया उसने लिखा, फिर फॉर्म ख़राब हो गया। फिर बैंक के रूल्स होते हैं कि वो एक ही फॉर्म देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद देते हैं, मतलब फिर उसके बाद फिर से वो बाहर आया। फिर उसके थोड़ी देर के बाद बाहर आने के बाद फिर उसको लगा कि क्यों ना एक ट्राई और मारा जाए। फिर वो उसी तरह से भीड़ में दबके अंदर घुस गया। जैसे ही मैनेजर थोड़ा मतलब जो गार्ड था वो दूसरी तरफ जैसे ही देख रहा था वो अंदर घुस गया। और जैसे ही गया तो वहाँ पर उसको फॉर्म मिला, उसने फॉर्म लिया जिद करके। फॉर्म लेके वो बाहर आया, फिर से बाहर आके सबको रिक्वेस्ट करने लगा कि ये फॉर्म मुझे भर के दो, फिल करके दो। सारी पब्लिक देख रही थी, मतलब परेशान हो रही थी कि ये बच्चा है और इसका अकाउंट कोई ना किसी बड़े इंसान ने उसका फॉर्म फिल करके दिया। फिर जब एज लिख रहा था तो उसके बच्चे की एज थी 13 साल। तो जैसे ही अंदर गया मैनेजर के टेबल पे तो मैनेजर ने कहा कि ये क्यों चाहिए तुमको अकाउंट, हम तो नहीं देते बच्चों को अकाउंट, अभी हमारे कोई ऐसा ऑफर नहीं चल रहा कि हम बच्चों को अकाउंट दें। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे अकाउंट हर हाल में चाहिए, मुझे अगर अकाउंट अभी नहीं मिलेगा तो मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा। क्योंकि उसने झूठ कह दिया वहाँ पर, उसने ये कह दिया मैनेजर की कि मुझे हर हाल में अकाउंट चाहिए, क्योंकि मैंने किसी से शर्त लगाई है सर, अगर आप नहीं दोगे तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी खराबी होगी। तो उसके बाद मैनेजर ने भी पता नहीं कौन से रूल्स कौन से धाराएं लगा के उसको अकाउंट दे दिया, फिल कर दिया। और उसने कहा कि थोड़ी देर के बाद आओ। और जैसे ही थोड़ी देर के बाद लड़का घर गया, थोड़ा सा खाया पिया, फिर बैंक को आया मैनेजर के पास। तो उसने अकाउंट बना दिया, उसकी सिग्नेचर कर दी अकाउंट बैंक में, उसने अलाउंस दे दी और उसने बैंक में उसका अकाउंट खोल दिया। और बच्चा इतना खुश हुआ ना, उसकी पहली अचीवमेंट थी। क्योंकि जहाँ पे लोग अकाउंट बैंक में जाने से डरते थे दूसरे बच्चे, इसने अकाउंट खोल लिया था बैंक में। ये कहानी किसी और पे आधार नहीं है, ये कहानी है मुझ पे ही, ये मेरी कहानी है। तो मैं इसको आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपके दिल में होना चाहिए कि आप कुछ कर लोगे तो यार सब कुछ कर सकते हो। यू आर अनस्टॉपेबल, आप सब कुछ कर सकते हो। किसी की बातें मत सुनो, अपने रास्ते पर निकल जाओ। तब तक के लिए मिलते हैं, हैव अ ग्रेट डे, गुड लाइफ।